हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पनीर पटेटो सैंडविच, जो बहुत ही इजी है बनाने में और खाएंगे तो आप बस खाते ही जाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको बनाना। आपने ब्रेड सैंडविच तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अब व्रत में या कुछ अलग सा खाने का दिल करे तो क्या करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पटेटो सैंडविच बिना ब्रेड के और व्रत के लिए स्पेशली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेने हैं आलू, बड़े साइज के लेने आलू। ये मैंने बड़े साइज के आलू लिए हैं और हम इसको पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल अच्छे से बॉईल नहीं करना है, हम इसको 80% बॉईल करना है और 20% इसको हल्का सा कच्चा रखना है। तो हमने इसको नमक डाल के बॉईल किया हुआ और छील के ये रखे हुए हैं बड़े आलू। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पनीर, मैंने यहाँ पे 150-200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी ली हुई है, यहाँ पे मैंने 1 कप या 1 बाउल कूटू का आटा पिसा हुआ, और उसमें मैंने 2 स्पून राइस वाला जो आटा था व्रत का, व्रत के राइस आते हैं उसको पीस कर उसका 2 चम्मच आटा वो लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले जो व्रत में यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 स्पून लिया है मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ये आटा है कूटू का आटा और राइस वाला आटा, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको चलाते रहें, ध्यान रखें कोई लम्स ना पड़े, अच्छे से चलाएं इसको। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से हमें इसको रेडी करना। आप स्पून से डाल के देख लें, हमारा इस तरीके से गिरना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे इसमें, जितना हमको पसंद है। व्रत वाला ही नमक यूज करेंगे हम इसमें, साथ में हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर 1/4 स्पून डालिए और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको साइड में रख देते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे पटेटो लिए हैं अपने, और अब हम इसको ऐसे नहीं कट करना है, हम इसको लंबे साइज में इस तरीके से इसके पीसेस निकालने हैं, इस तरीके से, बिल्कुल बारीक नहीं निकालने हैं, थोड़े मोटे इस तरीके से हमको इसके पीसेस निकालने हैं, क्योंकि ज्यादा बारीक अगर आप निकालेंगे तो वो हमारे टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमें इस तरीके से अपने पीसेस रेडी करने हैं। कि मैंने सारे पोटैटोस के स्लाइस काट लिए इस तरीके से मोटे, अब हम क्या करेंगे, स्लाइस को इस तरीके से रख लेंगे। ये समझ लीजिए कि हमें इन स्लाइसों के पेयर बनाने हैं, मतलब एक ही साइज वाले हम इस तरीके से रख देते हैं पोटैटो इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ग्रीन चटनी ली हुई है उसको हम इन स्लाइसों पे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत इजी है बनाने में। आप इसको धनिया की चटनी, ग्रीन मिर्च डाली है हमने इसमें, और धनिया से आप इसको रेडी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप इस पे चटनी लगाएं, ये मैंने चटनी लगा ली है। देन अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे पनीर लिया हुआ है, हम पनीर के भी इसी तरीके से स्लाइस कट करेंगे और इस तरीके से
हम रख देंगे अपने पोटैटो के ऊपर। इस तरीके से देन अब हमने जो मसाले लिए हुए हैं इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ। अभी जो मैंने मसाला लिया हुआ ये हम पनीर वाले स्लाइस पे डाल देंगे इस तरीके से। बहुत ही इजी सैंडविच है और बहुत ही टेस्टी है और थोड़ा व्रत के लिए थोड़ा डिफरेंट भी है। अब आप कहेंगे हम इसे फ्राई करके या सेक के कैसे खाएंगे? डोंट वरी, आप इन स्लाइस को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हो गया ना ये अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अपना कूटू का आटा लिया हुआ है मिक्स करके उसका बैटर तैयार किया हुआ है उस बैटर में हम इसको डिप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर अपनी गैस पे ऑयल कढ़ाई में डाल के ऑयल गरम कर लेंगे और तब ये हमारा अच्छे से हीट देने लगे तो हम फिर अपना सैंडविच ये देखिए इसको इसमें डिप करेंगे अच्छे से और ऑयल में डाल देंगे। इस तरीके से हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। जब हमारा एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये हमारा एक साइड से हो गया है, अब हम इसको धीरे से पलट देते हैं। सिकने देते हैं इसको करारा करारा क्रिस्पी होने तक। अब हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से और आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से सिक्के रेडी हो गए हैं। तो इन्हें हम ऐसे ही करारा होने तक सेक लेंगे और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए मेरी सैंडविच अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अब हम इनको कट करेंगे देखिए इस तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारे सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। तो ये हमारे पनीर पोटैटो सैंडविच हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। तो मेरे ये देख रहे हैं ना कितने ही टेस्टी और कितने इजीली हमारे ये पनीर पोटैटो सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही क्रंची भी हैं और साथ में व्रत के लिए स्पेशल हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसमें पनीर यूज करा है और न्यू डिफरेंट टाइप से बनाए हुए हैं। क्या होता है मोस्ट ऑफ वही चीज खाते खाते हम थोड़ा सा ऊब जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट बनाया है हमने। तो आप व्रत में जरूर बनाइए अपना पनीर सैंडविच, पनीर पोटैटो सैंडविच और खाइए। बस थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि जब आप बैटर तैयार कर रहे हैं तो उसको ज्यादा पतला ना करें, उसको चेक कर लें आप एक बार। सेकेंडली आप पोटैटो जो भी लें उसको बड़ा साइज लें ताकि आपकी सैंडविच अच्छे से बड़े बड़े बनकर रेडी हो जाएं और आप इसको जब फ्राई करें तो लो मीडियम फ्लेम पर
फ्राई करें। पहले आप गैस को हाई फ्लेम पर तेज करके और फिर उसको लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, तभी आपके क्रिस्पी और करारे बनेंगे। और ये हम आप इजी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हुए हैं। तो आप इसको बनाइए, खाइए। आपको कैसी मेरी वीडियो लगी जरूर बताइए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और वीडियो को हमेशा कम्प्लीटली देखें, ताकि आप कोई रेसिपी शुरू करें और आधा अधूरी देखने के बाद आपकी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम ना जाए। सो गाइस, आप इसको कम्प्लीटली देखें और बनाएं खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।